नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम। वैसे ये जो टॉपिक है ना द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम आपको 11th क्लास के अंदर चैप्टर है रासायनिक साम्य वहां बताते हैं। द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम ये बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसके क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने मान लिया एक अभिक्रिया है H2+Cl2H2Cl बना दिया, इसमें क्रियाकारक कौन है? एक H2 हो गया और Cl2 हो गया। तो द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम क्या कहता है? इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा? क्रियाकारक की सांद्रता के गुणनफल। एक तो हाइड्रोजन की सांद्रता, ये हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता होती है, तो ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन की सांद्रता, ये क्लोरीन की सांद्रता, इनका गुणनफल इसके समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम ये बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके जो भी क्रियाकारक है उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो समानुपाती है इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग का पद आ गया रेट बराबर के H2^1 और Cl^2^1। ठीक है, द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम क्या कहता है कि आप हमें कोई सी अभिक्रिया ला के दे दो, XYZ कोई सी अभिक्रिया ला के दे दो, हम उस अभिक्रिया का वेग लिख देंगे क्योंकि उसको कुछ नहीं करना, क्रियाकारक की सांद्रताओं को गुणा करना है। इसका मतलब ये जो द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम है ये हमारा एक सैद्धांतिक सिद्धांत है, तो हमने लिख दिया सैद्धांतिक सिद्धांत है। सैद्धांतिक का मतलब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम एक सैद्धांतिक सिद्धांत है और इसकी मदद से हम कोई सी रासायनिक अभिक्रिया हो उसका वेग लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम समझाया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वेग नियम। वेग नियम को बोलते हैं रेट लॉ। हमने बोला जो द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम होता है वो एक सैद्धांतिक सिद्धांत है, अब हम बता रहे वेग नियम। तो वेग नियम एक प्रायोगिक सिद्धांत है। प्रायोगिक सिद्धांत का मतलब प्रयोग करके ही इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या मतलब इसका? बेसिकली हमें क्या करना है, जो चैप्टर है ना इस चैप्टर के अंदर हमको क्रियाविधि का डिस्कशन करना है। हमें ये देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका वेग के बारे में हम देख चुके हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लो सपोज कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें दो क्रियाकारक है, अब आपने क्रियाकारक की सांद्रता बदली तो अभिक्रिया का वेग बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये आपको देखना है। तो वो देखने के लिए अब क्या करें, तो उसके लिए एक वेग का व्यंजक होना चाहिए। हम वो जो वेग का व्यंजक है उसी की हम तलाश कर रहे हैं। भाई वेग के पद की जरूरत क्यों पड़ रही है, वेग की पद की जरूरत क्यों पड़ रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये वेग का पद लिखा हुआ है, ये वेग का पद लिखा हुआ है, इसको देख के क्या पता लग रहा है? रेट बराबर के हाइड्रोजन की सांद्रता की एक घात इसकी घात एक, इसका मतलब इसको देखिए तो पता लग रहा है ना, इस अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर भी कैसे करेगा? अगर आप हाइड्रोजन की सांद्रता दुगनी करोगे तो वेग दुगुना हो जाएगा, चार गुना करोगे तो वेग चार गुना हो जाएगा, क्लोरीन की सांद्रता आदि करोगे तो वेग आधा हो जाएगा। मतलब हमें ये देखना है कि क्रियाकारक की सांद्रता को बदलने पर वेग में बदलाव होगा, कितना बदलाव होगा उसको जानने के लिए एक वेग का व्यंजक की जरूरत पड़ती है। तो ये वेग का व्यंजक ही लिखना हम सिखा रहे हैं, पर इसमें दिक्कत क्या हुई? ये तो हमने द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम बताई, तो सिद्धांतिक सिद्धांत है, ये तो थ्योरेटिकल है। आपको जरूरी थोड़ी ना कि आप हाइड्रोजन की सांद्रता को दुगुना करें तो वेग दुगुना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, समझना। अब हम एक्सपेरिमेंटली देखना चाह रहे हैं, हमने हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो हम क्या करते थे, क्लोरीन की सांद्रता को नियत रखते थे, हाइड्रोजन की सांद्रता को जैसे हम दुगुना करते थे हमने क्या देखा, हमने देखा अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। फिर हमने हाइड्रोजन की सांद्रता को नियत रखे क्लोरीन की सांद्रता को बदला तो उससे भी देखा वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ इस अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, जबकि द्रव्य अनुपाति क्रिया नियम क्या कहता था कि निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करनी है तो आपको वेग का व्यंजक तो चाहिए, और वेग का व्यंजक लिखने के दो रास्ते हैं, एक तो सैद्धांतिक तरीका एक आपका प्रायोगिक तरीका। ऑब्वियस सी बात है सैद्धांतिक तरीके पर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उसके प्रायोगिक सिद्धांत पर। तो इसलिए हम फिर वेग नियम की बात करते हैं। तो वेग नियम की बात करें तो वेग नियम भी वेग का पद ही लिखेगा, पर यह लिखेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। प्रायोगिक सिद्धांत पहली बात तो है, दूसरी बात हमने लिखी अभिक्रिया वेग का क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक निरूपण वेग नियम कहलाता है। ये तो बोला कि वेग नियम में क्या करेंगे, वही वेग लिखेंगे, क्रियाकारक की सांद्रता के पदों में लिखेंगे, पर वो लिखेंगे हम एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, समझना। हमने एक एग्जांपल लिया H2+Cl2 से हमने 2HCl बना दिया,
अब देखो वेग लिखने के दो रास्ते हैं, एक तो हो गया द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, एक हो गया वेग नियम, तो हमने इसका वेग लिखा, एक तो लिखा एल एम ए का मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, ये तुमने सीख दिया, रेट बराबर के एच टू की पावर एक से एल टू की पावर एक आ गया। एक हमने इसका वेग लिखा वेग नियम के अनुसार, तो वेग नियम के अनुसार कैसे लिखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पता लगा इस अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हमने इसका वेग लिखा रेट बराबर के हाइड्रोजन की पावर जीरो क्लोरीन की पावर जीरो। पावर जीरो का मतलब इस अभिक्रिया के वेग के पद के अंदर हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं आएंगे, तो पावर इनकी जीरो जीरो लिख दी। अब देखो अगर मैं इससे वेग लिख के अध्ययन करता तो ये तो हमें गलत जानकारी देता, ये तो हमको सही जानकारी दे रहा है ना। इसका मतलब आप जब भी केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे तो आप वेग का व्यंजक तो लिखेंगे, पर वो जो वेग का व्यंजक है वो आप द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हमेशा वेग नियम से, और वेग नियम एक प्रायोगिक सिद्धांत होता है। ठीक है जी, ये तो हमने एक H2+Cl2 और 2HCl का एग्जांपल ले लिया। आपको बताया ये जो H2+Cl2 से 2HCl बनता है ना, ये एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, और जो फोटो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन की खास बात ये होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो वेग होता है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर, इस बात का ध्यान रखना। ये तो हमने एक एग्जांपल लेके बताया, अब मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। इन जनरल माना एक सामान्य अभिक्रिया हमारे पास है N1A+N2B से हमने M1C+N2D बना दिया, इसका रेट लिखना है, एक रेट लिख रहा हूं मैं रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो। ठीक है, तो रेट लो के अकॉर्डिंग रेट लिखा जाएगा, रेट बराबर के ए का पावर, अगर मैं N1 लिख दूंगा तो वो तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम आ गया, तो ए की पावर क्या होगी, तो पावर क्या होगी वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा इसकी पावर क्या होगी। इसका मतलब इसकी पावर अभी अननोन है, अननोन है तो हमने एक्स मान लिया, ए का पावर लिखा मैंने एक्स, ऐसे बी का पावर हमने लिखा हुआ है। अगर मैं ए का पावर N1 लिखता ना और बी का पावर N2 लिखता तो वो तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आ जाता। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो x है ना x का मान n1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, y का मान n2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो ही पता लगेगा, इसलिए हमने तो मान लिया अभी अननोन है, इसलिए हम लिख देते हैं x और y। इसमें जो k है इस k को बोलते हैं वेग नेतांग, इसको बोल दिया जाता है रेट कॉन्स्टेंट, या इसको बोल देते हैं वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। ये बात तो पक्की हो गई, हम अभिक्रिया का वेग हमेशा वेग नियम से लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से क्या हमेशा रिजल्ट गलत आएंगे, क्या ऐसा भी नहीं है, हम जो वेग लिखेंगे तो कई बार ऐसा भी होगा जब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम और वेग नियम से वेग दोनों सेम आ जाएंगे और कभी डिफरेंट भी आएंगे। अब सेम कब आ सकते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य अभिक्रिया, एक होती है जटिल अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया उसे बोला जाता है जो एक पद में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रिया उसे बोला जाता है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। और जो सामान्य अभिक्रिया होती है या ऐसे बोल सकते हैं जो एलिमेंट्री अभिक्रिया होती है जो एक पद में संपन्न होती है, वो जो एक पद की अभिक्रिया है उसका वेग आप चाहे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से लिखो या वेग नियम से लिखो दोनों से समान आता है। हाँ, अगर अभिक्रिया जटिल है ना, जटिल अभिक्रिया का मतलब एक से अधिक पदों में संपन्न होगी, और आप ये भी समझते होंगे अभिक्रिया जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया का जो सबसे धीमा पद होता है उसका वेग निर्धारक पद होता है, इसलिए बोलते थे जटिल अभिक्रिया में सबसे धीमा पद उसका वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है जी, तो जो जटिल अभिक्रिया है ना, जटिल अभिक्रिया के अंदर आप वेग जो लिखोगे वो समान हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो उसकी क्रियाविधि पे डिपेंड करेगा। पर जो सामान्य अभिक्रिया है, जो एक पद की अभिक्रिया है, जो एलिमेंट्री अभिक्रिया है, उसका वेग आप चाहे वेग नियम से लिखो या फिर आप चाहो तो द्रव्यनुपातिक क्रिया नियम से लिखो, दोनों से रिजल्ट हमेशा सेम प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने वेग नियम लिखना सीखा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और टर्म हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि को बोल दिया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया कोटि को हमने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो ऑर्डर है ना, जो अभिक्रिया कोटि है, इसको बताया था ओस्टवाल्ड ने। तो पहला पॉइंट तुमने लिखा ओस्टवाल्ड। कोटि का क्या मतलब है, कोटि का मतलब होता है आपने भी वेग नियम से जो वेग लिखा उस वेग के पद के अंदर जो सांद्रताओं की जो घात है उनके योग को बोलते हैं अभिक्रिया कोटि। तो इसकी परिभाषा दे हमने अभिक्रिया के वेग नियम में सांद्रता के पदों की घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहा जाता है। अभी अभी जो आपको मैंने वेग नियम लिखना सिखाया उस वेग नियम के अंदर सांद्रता के ऊपर जो घात होती है उनका जो योग होगा उसको बोलेंगे उस अभिक्रिया की कोटि। माने एक अभिक्रिया एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जनरल N1A+N2B से हमने M1C+N2D बना दिया है।
इसका वेग लिखा हमने वेग नियम से, तो रेट बराबर आ गया के ए का पावर एक्स मान लिया, बी का पावर वाई मान लिया, तुम बोलेंगे ए का घात एक्स है, तुम बोलेंगे इस अभिक्रिया की ए के रेस्पेक्ट में कोटि एक्स होगी, इस अभिक्रिया की बी के रेस्पेक्ट में कोटि वाई होगी, और अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो होगी एक्स प्लस वाई। ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि का मान एक्स हो गया, बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि का मान वाई होगा, और अभिक्रिया की कोटि होगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप कोटि लिखोगे तो वेग नियम लिखना पड़ेगा, वेग नियम तो प्रायोगिक लिखा जाता है इसलिए बोल दिया जाता है कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, तो कोटि एक प्रायोगिक मान है। चलिए जी, कोटि का जो मान होता है ना, कोटि का मान जीरो हो सकता है, जैसे अभी लिखा था ना एस टू प्लस सी एल टू, वो की तो कोटि वैसे जीरो आती है, तो कोटि का जो मान है एक हो, जीरो हो सकता है, कोटि का मान एक हो सकता है, कोटि का मान दो हो सकता है, कोटि का मान तीन हो सकता है, और यहां तक कि कोटि का मान ऋणात्मक और कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, कोटि का जो मान है ना, अधिकतम मान तीन लिखा मैंने, चार नहीं लिखा, तो कोटि का अधिकतम मान तीन होता है, तीन से ज्यादा कोटि नहीं होती है, उसका कारण ये बताते हैं। ये जो क्रियाकारक उत्पाद बनाते हैं ना, तो हम आगे पढ़ेंगे टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत हमें ये बताता है क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी, टक्कर के होने के उपरांत ही उत्पाद बनेंगे, और उत्पाद बनने के लिए टक्कर भी प्रभावी होनी चाहिए। मान लो टक्कर हुआ और टक्कर प्रभावी नहीं हुई, अप्रभावी, तो उत्पाद नहीं बनेगा। इसका मतलब क्रियाकारक क्रियाकारक उत्पाद बनाए उसके लिए जरूरी है उनके मध्य प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, और ये देखा गया प्रभावी जो टक्कर है अधिकतम से अधिकतम तीन अणुओं के बीच में हो सकती है, तीन से ज्यादा अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए बोलते हैं कोटि का अधिकतम मान भी तीन ही पाया जाता है। ठीक है, एक बात और बताते, आपने क्या किया, एक अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बोलते हैं कि किसी एक क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में कोटि का मान, किसी एक क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, पर जो उसका जो ओवरऑल कोटि है, या उसको ऐसे बोले कि उन सबका जो एल्जेब्रिक सम है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं आता है। ये लिखा मैंने, किसी एक क्रियाकारक के संदर्भ में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि का मान ऋणात्मक नहीं होगा। मतलब किसी एक क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में कोटि नेगेटिव आ जाएगी, पर जो योग होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं आता, योग तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ऋणात्मक नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके बताया मैंने, एक अभिक्रिया a प्लस टू बी से बना दिया प्रोडक्ट, और इसका वेग दे रखा है रेट बराबर के, a का पावर दो, b का पावर एक, हमसे पूछा कोटि क्या होगी, तो आपको क्या करना है, योग करना है, तो योग कितना, दो प्लस एक तीन, तो हमसे देंगे अभिक्रिया की कोटि का मान तीन होगा। दूसरा सवाल, एक अभिक्रिया a प्लस टू बी से प्रोडक्ट बना दिया, रेट बराबर दे रखा है k, a का पावर दो, b का पावर माइनस वन। अब ये रेट जो दे रखा ना, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये एक सवाल में दे रखा है, रेट दे रखा है हमसे, तो कोटि पूछा गया, तो उसका कोटि का मान क्या होगा, दो माइनस एक बराबर एक आएगा। आप देख सकते हैं a की घात दो, b की घात माइनस एक, यानी b के रेस्पेक्ट में कोटि नेगेटिव है, पर जो एल्जेब्रिक सम है वो तो हमारा पॉजिटिव आता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा कि यहाँ माइनस दो हो और यहाँ प्लस एक हो, तो योग माइनस एक, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी एक क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक और लिया मैंने, एक अभिक्रिया दे रखी a प्लस टू बी से प्रोडक्ट बना दिया, इसका रेट ये दे रखा है रेट बराबर के a का पावर एक और b का पावर दो, हमसे बोला अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, वेग का पद दे रखा है, उनका योग करना है घातों का, तो घातों का योग किया तो आंसर तीन आ जाता है, ये अभिक्रिया की कोटि तीन आ गई है। ठीक है, अभिक्रिया कोटि का अधिकतम मान तीन होता है, क्योंकि तीन से अधिक गणों के मध्य प्रभावी टक्कर की संभावना बहुत कम होती है, ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगला पॉइंट भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य अभिक्रिया, एक होती है जटिल अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया को बोलते हैं सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको बोला एक पदीय अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको बोला जाता है बहुपदीय अभिक्रिया। ये मैंने आपको अभी भी जस्ट समझाया ही है। देखो, सामान्य अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन के लिए वेग नियम तथा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार वेग का पद समान प्राप्त होता है। मैं आपसे बोला था ना अभी भी कि कभी कभी वेग का मान वेग दोनों से समान भी आ जाएगा, तो समान कब आएगा, जब अभिक्रिया सामान्य या एलिमेंट्री होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको सामान्य अभिक्रिया दे रखी है या एलिमेंट्री अभिक्रिया दे रखी है, तो आप उसका वेग चाहे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से लिखो या वेग नियम से लिखो, दोनों से समान प्राप्त होता है। ये बात हमने यहाँ पे लिख भी दी है। देखो, एक सवाल और करा रहा हूँ, एक सामान्य अभिक्रिया, देखो एक सामान्य अभिक्रिया, मैंने बोला एक सामान्य अभिक्रिया, सामान्य है ना, अंडरलाइन करो सामान्य अभिक्रिया।
सामान्य अभिक्रिया क्या थी, ए प्लस टू बी से प्रोडक्ट बना दे, हमसे बोला गया इसका कोटि का मान कितना होगा, अब कोटि का मान के लिए वेग नियम लिखना पड़ेगा, वेग नियम लिखने के लिए वेग आपको प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग तो इसने कुछ दे नहीं रखा, तो इसने बोला सामान्य अभिक्रिया, और हमने अभी भी क्या बताया अगर सामान्य अभिक्रिया है तो चाहे वेग वेग नियम से लिखो या द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से लिखो, बात एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगा के वेग लिख देते हैं, तो वेग बराबर के ए का पावर एक और बी का पावर दो, एक किया तो कोटि का मान तीन आ गया, तो यहाँ पे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम इसलिए लगा दिया क्योंकि सामान्य अभिक्रिया, अगर ये सामान्य वर्ड नहीं होता तो मैं नहीं लगाता। जैसे दूसरा सवाल एक अभिक्रिया, अब देखो ये सामान्य नहीं लिखा इसने बोला एक अभिक्रिया, अब जब अभिक्रिया बोला तो हमें थोड़ी ना पता है सामान्य या जटिल है, ए प्लस टू बी से प्रोडक्ट बना था कोटि का मान पूछा है, तुमने बोला कि यार आपने तो वेग नियम ना तो वेग नियम दे रखा ना आपने प्रयोग में बताया, और अभिक्रिया जटिल है ये सामान्य है हमको ये भी पता नहीं, तुम कोटि का मान कैसे देंगे, तो हमसे देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। आप देख लो ये इस सवाल के अंदर यहाँ वर्ड सामान्य लिखा हुआ था तो इसका आंसर दे दिया, वहां सामान्य नहीं था तो हम उसका आंसर नहीं दे पाए, तो उसका आंसर हम देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए बात को? जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया की क्रियाविधि का सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है, ये बात भी हमने आपको समझा दी है। अब हमने जो वेग नियम लिखा था ना उसमें जो के लिखा था उसके को बोलते हैं हम वेग नेतांक को बोला जाए रेट कांस्टेंट के, तो के को परिभाषित कर देता हूँ, वह मैंने वेग नियम लिखा, वेग बराबर आ गया के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, वो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। इसमें जो के है इसको के को बोला हमने के जो है इस के को बोले हम रेट कांस्टेंट, हमने जो के लिखा इस के को बोला हमने के ही तो है ना रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी रेट कांस्टेंट, तो हमने क्या किया इसके दो क्रियाकारक ए और बी दोनों की सांद्रता को हमने इकाई मान लिया, तो देखो ए और बी दोनों की सांद्रता को अगर इकाई मान ले तो के किसके बराबर आ गया वेग के बराबर आ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वेग नियतांक क्या होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर जितने भी क्रियाकारक हैं उनकी सांद्रता को अगर एकांक ले लिया जाए तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग आएगा उसी को बोल दिया जाता है वेग नियतांक। तो ये लिखा हमने अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान वेग के बराबर होता है जब सभी क्रियाकारक पदों की सांद्रता इकाई होती है। इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने भी क्रियाकारक हैं उनकी सांद्रता को अगर हम इकाई मान ले एकांक ले ले उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको बोल दिया जाता है उसका वेग नियतांक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वेग नियतांक की इकाई, देखिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, वेग नियतांक की इकाई रेट बराबर लिखा कि ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, मेरे को के की इकाई निकाल रेट, रेट के बन बात करें तो जो रेट होता है वो तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, तो इसकी जगह लिखा मोल पर लीटर पर सेकंड, के की इकाई लानी ए की सांद्रता, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर इसका पावर एक्स, बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर का पावर वाई आ गया। देखो ये लिखा है मोल प्रति लीटर का पावर एक्स मोल प्रति लीटर का पावर वाई, तो इसकी जगह लिख दिया मोल प्रति लीटर की पावर एक्स प्लस वाई, ये लिखा हमने, ठीक है। इसको अरेंज करें, ये जो x प्लस वाई है ना, x क्या है ए के संदर्भ में कोटि है, y b के संदर्भ में कोटि, x प्लस वाई की जगह लिख देंगे हम n, और n को बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स बराबर k मोल पर लीटर की पावर n। इसको अरेंज करें तो हमारे पास k बराबर आ गया मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास k की इकाई आ गई है। अब आप चाहो तो कोटि का मान अभिक्रिया की कोटि जिस मान लो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो जनरल फॉर्मूले में एन बराबर जीरो रख दो, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो फॉर्मूले में एन बराबर एक रख दो कोटि अभिक्रिया है तो फॉर्मूले में एन बराबर दो रखे और आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। ये तो इसका सामान्य फॉर्मूला हो गया, हम तो फॉर्मूला याद करने के लिए बोलते नहीं है, तो अब कोटि वगैरह कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो शून्य कोटि का सवाल आया जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है, आपसे बोला गया जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के अंदर वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, तो आप सबसे पहले जीरो कोटि अभिक्रिया का वेग लिखो, तो वेग बराबर लिखा जाता है के ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो का मतलब कितना होगा एक, तो के बराबर आ गया रेट के, इसका मतलब जो रेट की इकाई होगी वो के की इकाई होगी, इसलिए बोल दिया जाता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसमें के की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये लीजिए। मानो सवाल आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया तो वेग क्या लिखोगे रेट बराबर के सांद्रता की घात एक, वेग की जगह वेग की इकाई लिखी हमने मोल पर लीटर पर सेकंड बराबर के, और एक की पावर एक का मतलब ये मोल पर लीटर इससे कैंसिल होगा, तो के की इकाई आगे सेकंड इनवर्स, इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई आगे सेकंड इनवर्स। सेकंड कोटि अभिक्रिया पे चले, सेकंड कोटि अभिक्रिया में रेट बराबर के एक की पावर दो, ठीक है, तो यहाँ से के की इकाई निकाले तो यह जाता है मोल पर लीटर की पावर माइनस एक सेकंड इनवर्स, ये लीजिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया। चलो अब तो nth ऑर्डर पे चले,
तो रेट बराबर आ जाएगा के एका पावर एन आ गया, तो के की इकाई मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स। कुल मिला के बात ये, जो भी कोटि का सवाल है आप उसका वेग लिख के और आराम से उसकी इकाई निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमने ये जो क्रियाविधि वगैरह है उसको जानने के लिए एक तो हमें कोटि की जरूरत पड़ती है, एक हमें और जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं अणुकता। हम बात कर रहे हैं आपसे अभिक्रिया की अणुकता के बारे में, अणुकता को बोला जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोटि जो है ना वो एक प्रायोगिक मान होता है, जबकि जो अणुकता है ये सैद्धांतिक मान है। पहला डिफरेंस तो ये सैद्धांतिक मान होता है। दूसरी बात, ये जो अणुकता होती है ना ये मुख्य रूप से सामान्य अभिक्रिया जो होती है ना, जो एक पदीय अभिक्रिया होती है उन्हीं के लिए परिभाषित की जाती है। ठीक है, अणुकता मेनली सामान्य अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है। अब अणुकता होती क्या है, तो अणुकता को बताया जाता है कि जो एक सामान्य अभिक्रिया होती है उस सामान्य अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या है, ऐसे बोल सकते हैं एक सामान्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या, एक सामान्य अभिक्रिया में, एक सामान्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होने के पश्चात उत्पाद बनता है, उस संख्या को बोल दिया जाता है अभिक्रिया की अणुकता। ये लिखा हमने, एक सामान्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है, उसको बोलते हैं अभिक्रिया की अणुकता। ठीक है, अणुकता का मान जो होता है एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। देखो अणुकता जीरो तो नहीं होगी, ना कभी भिन्नात्मक होगी ना कभी ऋणात्मक होगी, और तीन से ज्यादा भी नहीं होगी। उसका कारण आपको बता दिया, क्योंकि तीन से ज्यादा अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर की संभावना बहुत ही कम होती है। तो अणुकता का मान या तो एक होता है, या दो होगा, या फिर तीन होता है। अणुकता का मान कभी भी शून्य, ऋणात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, बोला एक सामान्य अभिक्रिया बोला, देखो ए प्लस टू बी से उत्पाद बना दिया, आपसे बोला कोटि अणुकता का मान क्या होगा। सामान्य बोला तो सामान्य का मतलब इसका पहले कोटि निकाल रहे या अणुकता निकाल रहे, सामान्य बोला ना तो सामान्य का मतलब अब इनकी क्रियाकारक अणु की संख्या ए का एक और बी का दो, तो तीन आ गई, क्योंकि सामान्य अभिक्रिया, इसलिए बोला ना सामान्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या। अगर हमसे बोलता इसकी कोटि का मान क्या होगा तो कोटि के लिए वेग लिखना पड़ेगा, पर सामान्य है तो वेग चाहे वेग नियम से लिखो या द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से लिखो समान आएगा, इसलिए हमने इसका वेग भी लिख दिया, रेट बराबर के ए का पावर एक और बी का पावर दो, यानी कोटि का मान तीन आ गया। आप देख पा रहे ये जो अभिक्रिया सामान्य थी, ये अभिक्रिया कैसी सामान्य अभिक्रिया है, तो इसका जो अणुकता है इसका मान कितना है, तीन आया। कोटि का मान भी कितना है, तीन आया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो सामान्य अभिक्रिया है उसके अंदर तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुकता दोनों का मान समान होता है। ये तो अणुकता का मान भी तीन है और कोटि का मान भी तीन है। तो ध्यान रखें जो सामान्य अभिक्रिया होती है उसके अंदर अभिक्रिया की अणुकता और कोटि का मान भी समान होता है। ये लिखा हमने, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए कोटि तथा अणुकता का मान समान होता है। ठीक है, चलो जी, अब हमने बोला कि अणुकता मेनली सामान्य अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है। फिर आप कहोगे कि जटिल अभिक्रिया के अंदर, मतलब जटिल अभिक्रिया के अंदर क्या हम अणुकता की बात ही नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, और वो जो एक से अधिक पद होते हैं ना वो प्रत्येक पद एक सामान्य अभिक्रिया की तरह काम करता है, इसलिए बोलते हैं कि जो जटिल अभिक्रिया होती है उसके अंदर प्रत्येक पद की अणुकता अलग अलग ज्ञात की जाती है। वहां पर जैसे अपन अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि निकालते हैं ना, उस प्रकार से संपूर्ण अणुकता कभी भी ज्ञात नहीं करते। हम ऐसे बोलते हैं अगर अभिक्रिया जटिल है तो वहां पर प्रत्येक पद की अणुकता हम सेपरेटली ज्ञात करेंगे। तो लिखा मैंने, जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक पद की अणुकता ज्ञात की जाती है। जटिल अभिक्रिया में संपूर्ण अणुकता का कोई तात्पर्य नहीं होता है। मैं आपको एक जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे एक अभिक्रिया दे रखी है मेरे को 2N2+5 से, हमने 4NO2+O2 बना दिया, इसकी क्रियाविधि दे रखी है N2O5 से NO2+NO3, ये तो इसका स्लो स्टेप है, धीमा पद है। NO3+N2O5 से 3NO2+O2 इसका तीव्र पद है, ये सवाल में दे रखा है। ये यहाँ से आता का सवाल है, हमसे तो बोला गया कोटि का मान क्या होगा और अणुकता क्या होगी। देखो अब जटिल अभिक्रिया, इसका धीमा पद हुआ, इसका तीव्र पद हुआ, मैंने आपसे क्या बोला कि अणुकता प्रत्येक पद की अलग से ज्ञात करोगे तो क्या कहेंगे, इसके धीमे पद में एक अणु है तो अणुकता क्या लिखेंगे, तो धीमे पद की अणुकता तो एक आगे, और इसका जो तीव्र पद है उसके अंदर दो अणु है भाग ले रहे ना, तो अणुकता इसकी दो आगे। इसका हम ऐसे बोल सकते हैं
इसका जो तीव्र पद है, इसका जो तीव्र पद है उसकी अणुकता तो दो है और धीमे पद की अणुकता एक है। हाँ, अगर आपसे कोटि बोली जाए तो कोटि ऐसे नहीं निकालते कि धीमे पद की कोटि इतनी होगी, तीव्र पद की कोटि इतनी होगी, नहीं, कोटि हमेशा अभिक्रिया की लिखी जाती है। तो कोटि लिखने के लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया को वेग लिखना पड़ेगा, वेग लिखेंगे वेग नियम से, ठीक है। और आपको भी समझाया था जटिल अभिक्रिया के अंदर जो सबसे धीमा पद होता है वो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सबसे धीमा पद है उसको देख के अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। धीमा पद तो यार बेटा जी है ना, इसको देख के वेग लिखेंगे। अब आप कहोगे इसको देख के कैसे लिखेंगे सर, प्रायोगिक लिखा जाता है। तो सुनो, मैं आपसे क्या बोला कि जो जटिल अभिक्रिया होती है वो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, पर प्रत्येक पद एक सामान्य, प्रत्येक पद एक एलिमेंट्री अभिक्रिया की तरह काम करेगा, और एलिमेंट्री अभिक्रिया है तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाओ या लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, बात मतलब द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लिखो या वेग नियम लिखो, बात एक ही है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इस स्लो स्टेप है इसको देख के इसका वेग लिखेंगे, तो रेट बराबर आएगा के इनटू 5 के पावर 1, तो इसकी कोटि का माना जाएगा 1। आंसर क्या देंगे, हाँ आंसर देंगे यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अगर हम सब ला जाए इसकी अणुकता, हम बोलेंगे इसका जो धीमा पद है उसकी अणुकता का मान 1 होगा, इसकी तीव्र पद की अणुकता का मान 2 होगा। अणुकता सवाल के अंदर मतलब क्रियाविधि ये पूरी सवाल के अंदर दे रखी होगी, तभी हम बता पाते हैं कि इसका अणुकता का मान कितना होगा, ठीक है। हम आपको जटिल अभिक्रिया का उदाहरण बता रहे थे और जटिल अभिक्रिया के अंदर अणुकता की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे बोला कि जो जटिल अभिक्रिया है उसके अंदर अणुकता प्रत्येक पद की ज्ञात की जाती है, जबकि जो कोटि है वो प्रत्येक पद की नहीं निकालते हैं, कोटि ज्ञात की जाती है संपूर्ण अभिक्रिया की। एक एग्जांपल तो मैंने आपको एंटो 5 का भी जस्ट बताया, एक और एग्जांपल है वो भी देख लीजिए। एग्जांपल दूसरा लिया मैंने इसके लिए, 2H2O2 से हमने बना दिया 2H2O+O2 बना दिया, इसकी क्रियाविधि दे रखी है। क्रियाविधि का फर्स्ट स्टेप है H2O2 से हमने बनाया, H2O+O इसका धीमा पद है, दूसरा पद दे रखा है H2O2+O इससे हमने बना दिया H2O+O2 इसका तीव्र पद है। हमसे बोला गया अणुकता, मैं आपसे क्या बोला था अणुकता प्रत्येक पद की ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका जो धीमा पद है उसकी अणुकता 1 होगी और तीव्र पद की अणुकता 2 होगी। अगर हमको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तो कोटि ज्ञात करने के लिए हमको वेग नियम लिखना पड़ेगा। वेग नियम बोला था जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया का वेग उसके धीमे पद पर निर्भर करता है, तो मैंने क्या किया धीमे पद को देख के इसका वेग लिखा, तो वेग बराबर आ गया, वेग बराबर आ गया के H2O2 इसकी पावर 1 आएगी, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, ठीक है। इसको देखे तो कोटि आ जाएगी इसकी, एक तो मान क्या देंगे यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, और ये बोलेंगे इसका जो धीमा पद है उसकी अणुकता 1 है और तीव्र पद की अणुकता 2 होती है। इसका मतलब जटिल अभिक्रिया के अंदर प्रत्येक पद की अणुकता सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, वो है छदम एकाणुक अभिक्रिया, या उसको बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, छदम एकाणुक अभिक्रिया या बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। छदम एकाणु या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है जिसकी कोटि का मान 1 हो और अणुकता का मान 2 हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 तथा अणुकता 2 हो, कोटि का मान 1 हो अणुकता का मान 2 हो, उसको बोलते हैं छदम एकाणु अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल ले लिया, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दिया, H+ का अम्लीय माध्यम में, ये जो अभिक्रिया है इसकी जब क्रियाविधि का अध्ययन किया गया तो पता लगा इसके अंदर जो वाटर है वो अधिक में लिया जाता है, ठीक है। इसका रेट हमने लिखा, रेट बराबर KdS एस्टर की कंसेंट्रेशन इनटू वाटर की कंसेंट्रेशन। वाटर को हमने अधिक में लिया, अधिक में लेने का मतलब इसके अभिक्रिया के दौरान इस वाटर की सांद्रता नियत रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए इस रेट के पद के अंदर KdS भी कांस्टेंट है और जल की सांद्रता ये भी नियत होगी, क्योंकि हमने इसको आधिक्य में ले लिया। ध्यान रखना, अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक क्रियाकारक को आधिक्य में ले लेते हो, इसका मतलब एक तरह से उसकी सांद्रता नियत होती है, और अगर किसी क्रियाकारक की सांद्रता नियत रहे तो इसका मतलब अभी सभी क्रिया का वेग इस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखो KdS भी नियतांक है और वाटर की सांद्रता भी नियतांक है, तो दोनों की जगह मैंने एक नियतांक लिखा जिसको बोल दिया मैंने के, एक नया नियतांक मैंने के लिख दिया है। देखो तो हमारे पास आ गया रेट बराबर के इंटू एस्टर की सांद्रता, इस और जो के है के किसके बराबर, के बराबर KdS इंटू वाटर, ये के और KdS के बीच में संबंध आ गया। इसमें जो के है इसके को बोल दिया जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नेतांग, और जो KdS है इसको बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नेतांग, ठीक है। इसको देखने से पता लगा कि जो
अभिक्रिया है इसकी कोटि कितनी आ रही, एक और अणुकता दो, क्योंकि एक तो एस्टर कणु है और एक वाटर कणु है, तो आंसर क्या देंगे, इसकी कोटि का मान एक है, अणुकता का मान दो है, इसको बोल दिया जाता है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, राइट। अब हम आपको बता रहे हैं ये जो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, इसका जो वेग नियतांक लिखा ना हमने केडेस, इसकी इकाई छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई केडेस की इकाई बताना, के की नहीं बता रहा, तो रेट बराबर क्या है केडेस इंटू एस्टर की सांद्रता इंटू वाटर की सांद्रता, ये लिखा था हमने, रेट रेट की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, केडेस की इकाई निकालनी है, सांद्रता मोल पर लीटर, सांद्रता मोल पर लीटर, इसको सॉल्व किया तो आ गया मोल माइनस वन लीटर प्लस वन इंटू सेकंड इनवर्स। मैं आपको बता देता हूँ ये जो केडेस होती है इसकी इकाई एक तरह से द्वितीय कोटि की होती है, और जो के है इसकी इकाई प्रथम कोटि की होती है, जो के है ना ये केडेस की इकाई बता रहा हूँ, के की नहीं बता रहा, के जो है ना के की इकाई हमारी फर्स्ट ऑर्डर की आती है और केडेस की इकाई हमारी सेकंड ऑर्डर की आती है। आप चाहो तो ये इधर लिख देता हूं, के जो है ना इसकी यूनिट किस कौन से ऑर्डर की आती है, के की इकाई आती है फर्स्ट ऑर्डर की, और आपने जो केडेस ले रखा है ये जो केडेस है इसकी इकाई आ जाती है आपके लिए ये सेकंड ऑर्डर की, ये लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर की इसकी इकाई आ जाती है, ठीक है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का दूसरा एग्जांपल बताता हूं, शर्करा, देखो ये जो फर्स्ट एग्जांपल लिया ना हमने एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो आपको बता देता हूँ एस्टर का अम्लीय माध्यम में जो जल अपघटन होता है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, अगर इसी एस्टर का जल अपघटन हम करा दें क्षारीय माध्यम में तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाती है। अभी जस्ट मैं लेने वाला हूं, देखो इधर एक लिख भी दिया मैंने नोट, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ये एस्टर है क्षारीय माध्यम NaOH से क्रिया करवा के CH3COOH बना, जब इस जल अपघटन का अध्ययन किया गया तो पता लगा इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग एस्टर की सांद्रता पे भी निर्भर करता है और NaOH की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसका मतलब इसका वेग ये लिखा जाएगा तो कोटि का माना जाएगा दो, अणुकता का माना जाएगा दो। तो ध्यान रखें एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, पर एस्टर का जो क्षारीय माध्यम में जल अपघटन है ये छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, ये तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। एक बात मैंने आपको ये भी बता दी ना अभी, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी क्रियाकारक को आधिक्य में ले लिया जाए तो अब उस अभिक्रिया का वेग उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब कोटि ज्ञात करते समय उस क्रियाकारक को वहां से डिलीट कर दिया जाता है। तो ये लिख दिया मैंने नोट, यदि किसी अभिक्रिया में किसी क्रियाकारक को आधिक्य में ले लिया जाए तो अभिक्रिया वेग उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपको छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण बता रहा था, पहला उदाहरण बता दिया मैंने एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, इसका दूसरा उदाहरण है शर्करा का प्रतिबंध, शर्करा का प्रतिबंध इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये शर्करा है C12H22O11 प्लस H2O, इससे बना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना, ठीक है। इसमें भी सेम वही कहानी है, वाटर जहां पर भी जल अपघटन होता है वहां जलाधिक्य में होता है, तो यह जलाधिक्य में तो इस अभिक्रिया का वेग केवल और केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इन्हें डायरेक्ट लिख दिया शर्करा की सांद्रता पर, इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसकी कोटे का मान होगा एक, अणुता का मान होगा दो, क्योंकि एक इसके अंदर शर्करा है और एक इसके अंदर वाटर है, कौन से कह देंगे इसकी कोटि आएगी एक, अणुता आएगा दो, इसका मतलब ये भी एक छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, ठीक है जी। अब हमने आपको देखो हमने आपको वेग बता दिया, वेग नियतांक बता दिया, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करें कि वेग और वेग नियतांक में क्या कंपैरिजन है, तो नेक्स्ट मैंने ये लिखा वेग तथा वेग नियतांक की तुलना, ये एक्चुअली में हम आपको सारी बातें बता चुके हैं, बस केवल समराइज करके लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वेग लिखा, उधर मैंने वेग नियतांक लिखा, वेग क्या कहता है, तो वेग भैया एक स्पीड होती है, वेग तो एक स्पीड है जिस जो हमें यह बताती है कि इस समय पर क्रियाकारक हमारा उत्पाद में किस दर से परिवर्तित हो रहा था, ये लिखा मैंने, यह एक स्पीड को बताता है जिस पर क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, यानी वेग जो है ना ये तो स्पीड बताता है जिस पर कि हमारा क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, जबकि जो वेग नियतांक वो क्या है, तो वेग नियतांक हमारा जो वेग नियम का व्यंजक वेग नियम का पद है उसका एक समानुपाती नियतांक होता है, तो वेग नियम के पद में समानुपाती स्थिरांक होता है, ये पहला कंपेरिजन। दूसरा कंपेरिजन, वेग जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है जबकि जो वेग नियतांक है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा कंपैरिजन। तीसरा कंपैरिजन, वेग का जो मान है वो वेग का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, उसका कारण समय बदलेगा तो सांद्रता बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग तो समय के साथ बदलता रहता है पर अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अगला पॉइंट,
वेग की बात करें तो जो वेग होता है, वेग की जो इकाई है, वेग की इकाई कोटि पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि आप ये देख लेना कोई भी कोटि का विक्रिया हो वेग हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, पर जो वेग नेतांक है उस वेग नेतांक की इकाई का मान, सॉरी उस वेग नेतांक की जो यूनिट है ना, उस वेग नेतांक की जो इकाई है वो कोटि पर डिपेंड करता है, तो यूनिट कोटि पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट वेग की बात करें तो वेग का जो, देखो वेग की इकाई, वेग की जो इकाई है वो कोटि पर निर्भर नहीं करती, पर वेग का मान है ना कोटि पर डिपेंड करता है, मान कोटि पर डिपेंड करेगा और इकाई कोटि पर डिपेंड नहीं करेगा। इधर इकाई कोटि पर डिपेंड करता है पर इसका जो मान है वो कोटि पर निर्भर नहीं करता है। ये हमने आपको वेग और वेग नेतांक के बीच में कुछ कंपेरिजन बता दिया, ठीक है। जैसे हमने वेग और वेग नेतांक में कंपैरिजन देखे, इसी प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की जो अणुकता है उसमें भी कंपैरिजन देखते हैं। तो नेक्स्ट में ले रहा हूं कोटि तथा अणुकता की तुलना, कोटि और अणुकता की तुलना करें। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कोटि लिखा, राइट हैंड साइड में मैंने अणुकता लिख दिया। कोटि की बात करें तो कोटि क्या होता है, तो कोटि के लिए बोला जाता है कि आप जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखते हैं उस वेग नियम के अंदर सांद्रता की सांद्रता के पदों की घातों का योग कोटि कहलाता है। ये लिखा ना मैंने वेग नियम में सांद्रता के घातों का योग तो कोटि कहलाता है। अणुता किसे बोलते हैं, अणुता मैंने बोला था एक पदीय रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या अणुता कहलाती है। तो ये लिखा मैंने एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, ये अणुता। तो पहला पॉइंट तो हमने इसकी डेफिनेशन नहीं बता दी है। दूसरा पॉइंट कोटि के लिए बोला जाता है कि कोटि भैया एक प्रायोगिक मान है जबकि अणुता एक सैद्धांतिक मान होता है, ये भी समझा चुका हूं। अगला पॉइंट ले गया कोटि के लिए, कोटि का मान शून्य हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, यहाँ तक ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि अणुकता ना तो शून्य होगी ना भिन्नात्मक होगी और ना ही ऋणात्मक होगी। अगला पॉइंट जटिल अभिक्रिया के अंदर बताया था, जटिल अभिक्रिया के अंदर हम जो कोटि है ना वो संपूर्ण अभिक्रिया की ज्ञात करते हैं, जबकि अणुकता में क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया के अंदर प्रत्येक पद की अणुकता सेपरेटली ज्ञात की जाती है, हर पद की अणुकता अलग अलग ज्ञात करते हैं, यानी संपूर्ण अभिक्रिया की अणुकता का कोई तात्पर्य नहीं होता है। ये लिखा हमने फोर्थ पॉइंट, जटिल अभिक्रिया में संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। इधर लिखा हमने जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक पद की अणुकता सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ये हमने आपको कोटि और अणुकता के बीच में कंपेरिजन बता दिया, ठीक है जी। अब हम इसमें कुछ सवाल बना रहे हैं, सवाल समझना। हमने लिखा एक गैसीय अभिक्रिया 2a + b से हमने प्रोडक्ट बना दिया है, मैं यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक एक तिहाई कर दिया जाए तो अभिक्रिया वेग कितना गुना बढ़ जाएगा। हमसे बोला गया अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक एक तिहाई कर दे तो वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, और ये सवाल है। इसके ऑप्शन दे रखे, एक बार ऑप्शन ऐसा आया, पहला ऑप्शन दे रखा था 9 × 27 × 18 × 1/27, इस एक बार तो ये ऑप्शन आ गया। यही सवाल दोबारा से जब पूछा गया तो ऑप्शन ये बन के आ गए 9 × 18 × 27 और एक लिख दे ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम ये देखना है कि ये ऑप्शन आ जाए तो क्या आंसर टिक करके आएंगे और ये वाले ऑप्शन आ जाए तो क्या आंसर टिक करके आएंगे। हमसे बोला आयतन आधा एक तिहाई कर दिया, आप समझते होंगे आयतन सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अगर आयतन एक तिहाई करोगे तो भैया जी आपका जो सांद्रता है वो तो 3 गुना बढ़ जाएगी। ये लिखा ना अभिक्रिया आयतन का, अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक एक तिहाई कर दिया, एक तिहाई करने का 1/3, तो सांद्रता आपकी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि सवाल में तो कंफर्म हो गया सांद्रता 3 गुना बढ़ेगी। अब सांद्रता 3 गुना बढ़ेगी तो वेग कितना गुना बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, इसके लिए तो उसकी वेग का व्यंजक चाहिए। अरे यार वेग का व्यंजक होगा तभी तो पता लगेगा ना कि सांद्रता बढ़ाने पर वेग में कितने गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो तो कोटि डिसाइड करती है। कुल मिला के ऐसे सवालों का आंसर देने के लिए हमको वेग नियम लिखना ही पड़ेगा, और वेग नियम याद है प्रायोगिक लिखा जाता है, अब प्रयोग तो दे ही नहीं रखा इसने, तो इसने क्या सामान्य अभिक्रिया लिखा क्या, इसने सामान्य अभिक्रिया भी नहीं बोला, तो हम इसका वेग का व्यंजक नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, अगर ये वाले ऑप्शन आ गए ना तो फिर आंसर टिक करके आएंगे, फोर्थ ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। हाँ ये वाले ऑप्शन आ गए, अगर ये वाले ऑप्शन आ गए तो इसमें ज्ञात नहीं कर सकते तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर तो इनमें से कोई देना पड़ेगा। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप ये मान लेना कि माना फिर ये एक सामान्य अभिक्रिया है, माना ये एक एकपदीय अभिक्रिया है, और आपको याद है अगर एकपदीय अभिक्रिया होगी तो एकपदीय अभिक्रिया का रेट कैसे लिखते हैं, बोला था ना एकपदीय अभिक्रिया का वेग, चाहे आप वेग नियम से लिखो या द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से लिखो सेम आएगा, इसका रेट बराबर लिख दिया जाएगा रेट बराबर के ए का पावर आ जाएगा 2 और बी का पावर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये आपने आयतन क्या किया एक तिहाई किया, सांद्रता क्या होगी 3 गुना, इसका मतलब ये हुआ ए की सांद्रता भी 3 गुना हुई और बी की सांद्रता भी 3 गुना हुई। अब ए की घात 2 है, अगर आप ए की सांद्रता 3 गुना करोगे तो ए की वजह से आपका 9 गुना
ए की वजह से वेग होगा 9 गुना और बी की सांद्रता भी 3 गुना करी तो बी की वजह से वेग होगा 3 गुना, यानी ए करेगा वेग को 9 गुना और बी करेगा वेग को 3 गुना, दोनों मिलकर करेंगे वेग को 27 गुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 27 गुना, लीजिए इसका 27 गुना। अगले सवाल ऐसे आता है, ऐसे लिख देता एक सामान्य अभिक्रिया, यहाँ लिख देता सामान्य अभिक्रिया, तो पता यहाँ पर भी 27 गुना तो इसमें तो देना ही देना था, पर फिर ये ऑप्शन होता है इसमें भी 27 गुना देंगे, कारण क्योंकि इसने एक पदीय अभिक्रिया बोल दिया और एक पदीय अभिक्रिया का वेग हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगला सवाल लिया मैंने आपके लिए, एक अभिक्रिया अभिक्रिया दे रखी आपको 2a+b, हमने प्रोडक्ट बना दिया, रेट का मान दे रखा है, रेट बराबर दे रखा है के, रेट बराबर है के ए का पावर एक और बी का पावर 1/2, कोटी है, कोटी का मान पूछा जा रहा है, तो कोटी क्या होगा कि जो वेग का व्यंजक है सांद्रता की घातों का योग करना है, ए की घात 1 है, बी की घात 1/2 है, तो योग होगा कि 3/2, तो आंसर दे देंगे दूसरा इस आंसर 3/2। आंसर दिया जाएगा 3/2। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपडेट की, हाँ ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कई बार ऐसे पूछ लेता है बी के संदर्भ में कोटि क्या होगी, अब हमारी तो आदत क्या है जोड़ने की और 3/2 टिक कर दिया, पता लगा उसने पूछा था बी के संदर्भ में कोटि क्या होगी, तो उत्तर 3/2 नहीं, फिर बी के संदर्भ में पूछा तो आंसर 1/2 टिक करके आएंगे, ए के संदर्भ में पूछेंगे पूछा तो 1 टिक करके आएंगे, अभिक्रिया की कोटि पूछा तो फिर 3/2 टिक करके आएंगे। ठीक है जी, देखो इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा और अपडेट किया है, मैंने लिखा उपरोक्त प्रश्न में यदि एक ही सांद्रता को अधिक में ले लिया जाए तो कोटि का मान क्या होगा, अभी बताया था यदि किसी अभिक्रिया के अंदर किसी क्रियाकारक की सांद्रता को अधिक में ले लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग अब उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो एक को अधिक में ले लिया इसका मतलब अब इसका जो वेग नियम है एक को अधिक में आपने ले लिया ना, तो वेग कोटि ज्ञात करते समय एक को छोड़ दो तो बचा क्या बी की पावर 1/2, तो आंसर देंगे फिर 1/2, इसका सेकंड आंसर 1/2 दिया गया। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल जो मैंने लिया वो जटिल अभिक्रिया का सवाल लिया जिसके अंदर कोटि ज्ञात करना है, जटिल अभिक्रिया का सवाल है जिसके अंदर हमको कोटि ज्ञात करना है, अभी सवाल से कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमको सवाल दे रखा है, पहले तो हम सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या है, अभिक्रिया दे रखिए 2O3 से 3O2 की अभिक्रिया, इसकी क्रियाविधि दे दी सवाल के अंदर, क्रियाविधि दे रखा O3 से बना दिया O2+O, इसका तीव्र पद है फास्ट स्टेप है, O3+O से 2O2 बना दिया स्लो स्टेप है, हमसे बोला वेग नियम क्या होगा, इसका वेग नियम बताना है, इन सवालों को सोल्व करने के लिए क्या काम करें, सबसे पहले धीमे पद को देख के वेग लिखे, बोला था ना कि जटिल अभिक्रिया के अंदर सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है, तो सबसे धीमा पद ये धीमा पद ये फास्ट स्लो, धीमे पद को देख के वेग लिखा, तो फ्रॉम स्लो स्टेप धीमे पद को देख के वेग क्या लिखेंगे, रेट बराबर मैंने मान लिया इसका जो समानुपाती स्थिरांक k डैश इनटू O3 की पावर 1 और O2 O का पावर 1 आ गया, ये हमने लिखा। ठीक है, स्लो स्टेप से वेग लिखने के बाद आपको ये देखना है कि ऐसा तो कोई नहीं है ना कि आपने जो स्लो स्टेप को देख के रेट लिखा उसमें कोई ऐसे ऐसा कोई स्पीसीज आ गया हो जो इसकी मुख्य अभिक्रिया में नहीं है, मुख्य अभिक्रिया ये रही O3 और O2 पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेग का व्यंजक है इसके अंदर केवल O3 और O2 आ सकता है, इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता, अगर कोई और आ रहा है तो वो मध्यवर्ती आपको उसको वहां से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ देखा तुमने क्या पता लगा इसके अंदर तो O आ गया, इसका मतलब ये जो O है ये एक मध्यवर्ती है, तो इस मध्यवर्ती को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा मतलब इसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मध्यवर्ती आया इसको एलिमिनेट करना, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो तीव्र पद है उसकी मदद लेते हैं, ये तीव्र पद ये फास्ट स्टेप, देखो इसका तीव्र पद एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है और रिवर्सिबल है, इसके लिए हम फिर लिखेंगे साम्यवस्था स्थिरांक केसी, केसी होता ना उत्पादपन क्रियाकारक, तो तीव्र पद फ्रॉम फास्ट स्टेप को देख के हमने केसी लिखा, तो किसी उत्पादपन क्रियाकारक आ जाएगा O2 × O/O3, हम तो O चाहिए ना, तो यहाँ से O का वैल्यू आ जाता है KC × O3/O2 सेकंड आ गया, सेकंड से O का वैल्यू वापस फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारे पास रेट आ जाएगा, रेट बराबर K′ × KC O3 का पावर, ये O3 और एक O3 मतलब O3 का पावर 2 आ गया, O2 का पावर -1 आ गया, K′ भी नीतांक है KC भी नीतांक है, दोनों की जगह एक नया नीतांक लिख दिया जिसको मैंने बोला के, इसका रेट आ जाता है रेट बराबर K O3 का पावर 2 O2 का पावर -1। अगर हमसे पूछा जाए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है तो आंसर देंगे इस अभिक्रिया की कोटि आती है 2 − 1 = 1, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस प्रकार से ये जटिल अभिक्रियाओं के जो सवाल आएंगे उनको सोल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक है, जटिल अभिक्रिया का एक और सवाल लेके बात करते हैं आपसे,
एक काल्पनिक अभिक्रिया ए टू प्लस बी टू हमने टू ए बी बना दिया, इसकी क्रियाविधि हमको दे रखी है ए टू से ए प्लस ए, ये तो फास्ट स्टेप है। ए प्लस बी टू हमने बना दिया ए बी प्लस बी, इसका स्लो स्टेप है। ए प्लस बी से ए बी बना दिया फास्ट स्टेप। वेग नियम याद करो, चलो जी बुक का भी सवाल आ गया। सबसे पहला काम क्या काम करें, इसका जो धीमा पद है उसको देख के वेग लिखे, ये धीमा पद को देख के वेग लिखा जाए। धीमे पद को देख के वेग लिखा हमने, रेट बराबर के डेस ए का पावर एक और बी टू का पावर एक, यहां तक आ गया। उसके बाद आप मध्यवर्ती का पता लगाओ, इसके मुख्य अभिक्रिया में ए टू बी टू ए बी है, इन तीनों के अलावा जो भी होगा वो मध्यवर्ती होगा। इसमें एक तरह से देखा जाए तो ए हमारा मध्यवर्ती है, अब हमको इसको एलिमिनेट करना है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम तीव्र पद की मदद लेंगे, यहाँ पर दो तीव्र पद है, एक तो ये वाला रहा एक ये वाला रहा। तीव्र पद को देख के हम लिखते साम्यवस्था स्थिरांक, साम्यवस्था स्थिरांक हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखा जाता है, तो ये तो इरिवर्सिबल है, इसका मतलब थर्ड वाला तो आपके कोई काम ही नहीं आएगा, तो आप इसको देख के साम्यवस्था स्थिरांक लिखो। इसका साम्यवस्था स्थिरांक कैसे होगा ना, उत्पाद ए इंटू ए का ए स्क्वायर अपॉन ए टू, हमको ए स्क्वायर निकाले ए स्क्वायर आ जाएगा, केसी इंटू ए टू, हमको तो ए चाहिए ना, ए बराबर आएगा। देखो केसी है ना, अब इसका ए लेंगे तो रूट लेना पड़ेगा, किसी एक नियतांक है, अगर नियतांक का रूट लिया जाए तो वो भी तो नियतांक क्या आएगा ना, तो उसको लिख दिया मैंने नया नियतांक केसी डेस लिख दिया और ए टू को पावर वन बाय टू, हमारे पास ए आ गया। अब ये जो ए की वैल्यू है हम फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रेट बराबर के डेस इंटू केसी डेस ए टू को पावर वन बाय टू इंटू बी टू को पावर वन आ गया। के डेस भी कॉन्स्टेंट है, केसी डेस भी कॉन्स्टेंट है, इसकी जगह नया कॉन्स्टेंट लिखा, उसको बोल दिया हमने के, तो रेट बराबर आ गया के ए टू को पावर एक बटा दो और बी टू को पावर एक, तो हमसे क्या देंगे इसकी कोटि का माना जाएगा तीन बटा दो। इस प्रकार से ये जो क्रियाविधि वाले सवाल है इनको हम इस टाइप से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। अगला सवाल, एक अभिक्रिया, अभिक्रिया आपको दे रखी है ए प्लस बी से हमने सी प्लस डी बना दिया है, ए की सांद्रता को नियत रखते हुए बी की सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया वेग दोगुना हो जाता है। इसने क्या बोला, ए की सांद्रता को तो हमने नियत रखा, ए की सांद्रता को तो नियत रखा, और जो बी है बी की सांद्रता को हमने दोगुना किया, बी की सांद्रता को दोगुना किया तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो गया। क्या बोल रहा है, ए की सांद्रता को नियत रखा, बी की सांद्रता को दुगुना किया तो वेग दुगुना हो गया। तो यार ये बात हुई तो बी की सांद्रता को दुगुना किया तो वेग दुगुना हो गया, इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग बी की सांद्रता के सीधे समानुपाती है, सीधे समानुपाती का मतलब पावर एक, तो हम क्या बोलेंगे कि बी की घात एक आ जाएगी। इसका मतलब इसका अगर वेग नियम लिखने बैठे तो उसका वेग नियम आ जाएगा वेग बराबर के एक का पावर, अभी हम देख रहे हैं बी का पावर तो हमें समझ में आ गया बी का पावर एक आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, बी की सांद्रता को नियत रखते हुए ए की सांद्रता को दो गुना किया। अब देखो आगे क्या बोला, ए की सांद्रता को कितना करवा रहा है, दो गुना, ए की सांद्रता को दो गुना करने पर अभिक्रिया का वेग हो गया चार गुना। सुना, ए की सांद्रता को कितना कर रहा है, दो गुना, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया चार गुना, यानी सांद्रता को दोगुना करने पर वेग चार गुना हो जाए। ऐसा तभी होगा जब ए की पावर दो होगी, या ए की पावर दो होगी तभी तो बोलेंगे सांद्रता को दोगुना करने पर वेग चार गुना होगा, अगर बी की घात एक होगी तो सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग दो गुना होगा। तो इसका वेग कब इन जगह जाएगा, वेग बराबर के ए का पावर दो और बी का पावर एक, कौन से कह देंगे इस अभिक्रिया की जो कोटि है ना यह आ जाती है टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, ये एक तृतीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण आ जाएगा, ठीक है। पता ऐसे और भी कई सारे केस बना सकते हैं, ये तो बोला दो गुना करने पर दो गुना चार गुना, इस टाइप के हम एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए। पहले कॉलम में लिखा मैंने इसका मतलब बता चेंज, ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता में परिवर्तन, दूसरे में लिखा इसका मतलब चेंज, ये हो गया अभिक्रिया वेग, वेग में परिवर्तन हुआ कोटि, मतलब मैं क्या बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं सांद्रता में परिवर्तन कर रहा हूँ। सुनो इधर, पहले कोलम में लिखा सांद्रता में परिवर्तन, दूसरे में लिखा इसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग में इतना परिवर्तन आया, उसके आधार पर हमने कोटि बना दी है। सांद्रता में परिवर्तन हम कर रहे हैं, सांद्रता में परिवर्तन करके हम ये देख रहे हैं वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर हम उसकी कोटि पता लगा रहे हैं, समझ गया। या इसको हम ऐसे बना देते हैं कि ये तो रेट बराबर ऐसे लिखे, एक तरह से रेट बराबर क्या लिखा जा रहा है, रेट बराबर के और ये लिख दिया हमने सांद्रता की घात एन, ये तो है। हम क्या कर रहे हैं, हम सांद्रता में परिवर्तन कर रहे, इसमें परिवर्तन कर रहे, इसमें परिवर्तन करके देख रहे इसमें कितना परिवर्तन आया, उसके आधार पर यहाँ की घात डिसाइड कर रहे हैं। देखो इसने क्या बोला, सांद्रता में परिवर्तन किया दो गुना तो वेग भी हो गया दो गुना, दो गुना करने पर दो गुना हो जाए, चार गुना करने पर चार गुना हो जाए, तीन गुना करने पर तीन गुना हो जाए, इसको बोलते हैं सीधे समानुपाती, और सीधे समानुपाती का मतलब पावर वन, तो देखो इसकी पावर वन का मतलब कोटि एक आ जाती है। तो जब कभी भी ऐसा हो ना, सांद्रता को दुगुना करने पर वेग दुगुना हो गया, तीन गुना करने पर वेग तीन गुना हो गया,
सांद्रता को आधा करने पर वेग आधा हो गया, आधा करने पर आधा, तीन गुना करने पर तीन गुना, चार गुना करने पर चार गुना, नौ गुना करने पर नौ गुना, समानुपाती तो कोटि हमेशा एक देनी है। तो देख सकते हैं सांद्रता को दो गुना करने पर वेग दो गुना, आधा करने पर वेग आधा, तो कोटि का मान एक होगा। आगे चलते हैं, सांद्रता को हमने किया दो गुना, सांद्रता को दो गुना किया, वेग हो गया चार गुना, दो गुना करने पर चार गुना स्क्वायर, तो कोटि का मान दो हो जाएगा। सांद्रता को दो गुना करने पर वेग हो गया आठ गुना यानी पावर तीन, तो वेग कोटि का मान तीन हो जाएगा। अगला, सांद्रता को तीन गुना किया, वेग हो गया उसका सत्ताईस गुना, तो इसकी कोटि भी तीन आ जाएगी। अगला लिया, हमने सांद्रता को किया आठ गुना, वेग हुआ दो गुना, आठ गुने पर दो गुना, इसका मतलब सांद्रता आठ गुना कर रहे सर ना, समझना, सांद्रता कर रहे आठ गुना, वेग हो रहा तेरा दो गुना, ऐसा तभी होगा जब इसकी पावर एक बटा तीन होगी, क्योंकि आठ की पावर एक बटा तीन तो दो आती है ना, इसलिए बोला इसकी कोटि का मान एक बटा तीन आ जाता है। समझ रहे बात को, इसको भी चेक कर लो, इसको देखते हैं, सांद्रता तीन गुना कर रहे हैं, आप इसको ये तो लिख लिया ना, देखो इसको बना, सांद्रता कितनी करी तीन गुना, वेग कितना हो गया सत्ताईस गुना, वेग हो गया सत्ताईस गुना, तो वेग के नीचे सत्ताईस लिख लिया करो, वेग के नीचे क्या लिखा करो सत्ताईस, सांद्रता कितनी करी तीन गुना, यहाँ सांद्रता लिखा करो इसकी घात, यही तो पता लगाना है। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, तीन की पावर क्या रखे सत्ताईस आ जाए, तो यार इन का मान तो तीन रखेंगे ना, तभी तो तीन की घात तीन बराबर सत्ताईस आ जाएगा ना, तो आ गया ना तीन। ठीक है, आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। और देखो, हमने सांद्रता करी नौ गुना, वेग हो गया हमारा तीन गुना, नौ गुना करने पर हुआ तीन गुना, अब नौ गुना करने पर तीन गुना, तो आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल पहले की तरह लिख देता हूं, ये लिखा मैंने रेट बराबर किया आ गया के सांद्रता की पावर एन आ गया, सांद्रता कितनी करी आपने नौ गुना, सांद्रता नौ गुना करने का, तो यहाँ लिखा करो नौ, वेग कितना हुआ तीन गुना, तो यहाँ लिखा करो तीन, इसकी घात ही तो पता लगानी है, तो नौ की घात क्या रखे कि तीन आ जाए, तो यार नौ की घात क्या रखे, तो नौ की पावर एक बटा दो देखे, तो नौ का रूट आता है ना तीन, तो आंसर देखे ना, देखो इसकी घात एक बटा दो आ गई है। अगला समझ लो, सांद्रता करी हमने आठ गुना, वेग हो गया हमारा चार गुना, पावर क्या होगी, सांद्रता कितनी करी आठ गुना, तो सांद्रता की जगह आठ लिखा करो, सांद्रता आपने करी आठ गुना, या आठ गुना करी, वेग कितना हो गया चार गुना, यहाँ लिखो वेग, पावर पता लगानी है, एन का मान ज्ञात करना है। अभी आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो डायरेक्ट नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, आप इसको लॉग लेके सॉल्व करो, देखो उधर इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसका लॉग लेंगे तो लॉग फोर किसके बराबर आ जाएगा, एन लॉग एट के बराबर आएगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, टू लॉग टू बराबर लॉग एट को लिखा दो की पावर तीन, तो ये लिख दिया जाता है थ्री लॉग टू, यहाँ तक आ गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से एन का मान निकाला, एन का मान आ जाएगा दो बटा तीन, इसका मतलब कोटि का मान दो बटा तीन। तो देख लो, सांद्रता को आठ गुना करने पर वेग अगर चार गुना हो रहा है तो कोटि दो बटा तीन, उल्टा लिखा मैंने, सांद्रता को चार गुना करने पर वेग आठ गुना हो जाए, तो ये तो मैंने वैसे तीन बटा दो लिख दिया, वैसे मैं आपको समझा भी सकता हूँ ये कैसे बनता है। देखो उधर, ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ये वाला तीसरा वाला चेक करते हैं, सांद्रता कितनी गिरी आपने चार गुना, सांद्रता चार गुना, तो सांद्रता चार गुना का यहाँ चार लिखा करो, ये एन निकालना है, वेग कितना गुना हुआ आठ गुना, यहाँ आप आठ लिखा करो। ठीक है, लॉग लिया तो सोल्व करते हैं इसको, लॉग एट किसके बराबर आ जाता है, एन लॉग फोर के बराबर जाएगा, एट को लिखा मैंने टू का पावर थ्री, यानी ये बन जाता है थ्री लॉग टू, फोर को लिखा हमने टू लॉग टू, तो ये बन गया भैया टू एन लॉग टू, लॉग टू से लॉग टू कैंसिल हो गया, एन का मान आ जाएगा तीन बटा दो, ये तो बता रहे एन का मान तीन बटा दो, तीन बटा दो। ठीक है, आई बात समझ में, ये मैंने कैलकुलेशन करने के तरीके भी समझा दिए। नेक्स्ट मैंने ले लिया, सांद्रता का मान कितना किया हमने दो गुना किया, सांद्रता का मान दो गुना किया, वेग हो गया एक बटा दो, दो गुना करने पर एक बटा दो, एक बटा का मतलब कम होना, कम कब होगा जब उसकी घात ऋणात्मक होगी, अगर घात ऋणात्मक है तो इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने पर वेग कम होगा ना। देखो सांद्रता कितनी करी दो गुना करी, तो वेग कितना हो गया एक बटा दो, एक बटा दो जैसे बोला जाए एक बटा का मतलब कम होना, इन माइनस लगाना, ये माइनस लगा दिया। देखो इसको समझना, सांद्रता कितनी कर रहे हैं दो गुना कर रहे हैं, सांद्रता कितनी कर रहे हैं दो गुना कर रहे हैं, दो गुना सांद्रता करी दो गुना, वेग कितना हो गया एक बटा दो, समझो तरीका समझा रहा हूँ, सांद्रता कितनी करी दो गुना, ये तो सांद्रता करी दो गुना, वेग कितना हुआ एक बटा दो हुआ, जैसे ही वेग एक बटा आए, एक बटा का मतलब माइनस लगाना, पहले तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया, अब इसको भूल जाओ, एक बटा को भूल जाओ, अब आप इस समझो दो गुना करने पर दो गुना,
और दो गुना करने पर, दो गुना का मतलब पावर एक, तो ये आ गया माइनस वन, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा समझाता हूँ, तो दो गुना करने पर एक बटा दो का मतलब माइनस वन आ गया। दूसरा समझना, सांद्रता को किया तीन गुना, वेग हो गया एक बटा सत्ताईस। देखो इधर सांद्रता कितनी करी मैंने, तीन गुना करी, सांद्रता तीन गुना, ये सांद्रता करी मैंने तीन गुना, वेग कितना हो गया एक बटा सत्ताईस। एक बटा बोलते माइनस लगा दिया, सबसे पहले माइनस लगा दिया ना, अब माइनस लगाते क्या काम कर, इस एक बटा को भूल जा, बस ऐसे याद कर कि तीन गुना करने पर सत्ताईस गुना, तीन गुना पर सत्ताईस गुना का मतलब तीन, तो आ गया ना ये माइनस तीन। ये लीजिए, ये लिखा हमने माइनस तीन। और समझाता हूं को, समझते चलिए। नेक्स्ट क्या लिया, सांद्रता कितनी करी हमने, आठ गुना करी, वेग हो गया हमारा एक बटा दो। ये देखो उधर सांद्रता करी आठ गुना, वेग कितना हो गया एक बटा दो, एक बटा बोलते माइनस वन लगा दिया, ठीक है माइनस वन। अब क्या किया, अब इसको भूल जाओ, वन अपॉन को भूल जाओ, आठ गुना करने पर दो गुना, आठ पे दो गुना का मतलब वन बाय थ्री, तो इसका मतलब माइनस वन बाय थ्री आ गया, माइनस वन बाय थ्री लीजिए, ये लिखा हमने माइनस वन बाय थ्री। समझ में आ रही बात। एक और एग्जाम्पल, सांद्रता को हमने किया दो गुना, सांद्रता को दो गुना करने पर वेग हो गया हमारा 2.82 गुना, इसकी पावर क्या होगी, सांद्रता कितनी करी दो गुना, इधर चलो सांद्रता करी दो गुना, ये सांद्रता मैंने कर दी दो गुना, सांद्रता हो रही है दो गुना, वेग कितना हो गया 2.82 गुना हो गया, इसकी पावर निकालनी ही तो है। एक काम करते हैं, एन निकालना है, ये जो 2.82 है इसको मैंने से लिख सकते हैं ना, 2 × 1.41 इक्वल टू 2 पावर एन लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1.41 रूट टू तो होता है ना, तो इसकी जगह लिखा 2 का पावर 1/2 इक्वल टू 2 पावर n आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 इक्वल टू 2 पावर n आ जाएगा, इसको सोल्व करने से पता लगा n का मान आता है 3/2, n का मान 3/2, ये लिखा इसके कोटि का मान 3/2 आ जाता है। इस प्रकार से इस पर और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी।